नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर महाकौशल कॉलेज जबलपुर द्वारा खास चर्चा की गई, जिसमें विद्यार्थियों ही नहीं हर मनुष्य के जीवन में योग के महत्व को समझाया। आज के इस भागदौड़ भरे दौर में योग के द्वारा कैसे मनुष्य अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना सकता है। कॉलेज में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण मुख्यमंत्री द्वारा लाइव किया जाएगा। 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम महाविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री की मंशा थी, ये 2014 से प्रारंभ होकर आज 10वां योग दिवस विश्व भर में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि शारीरिक और मानसिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे। इस उद्देश्य को लेकर इस महाविद्यालय में भव्य तैयारी की जा रही है, जिसमें प्रशिक्षण शिविर भी लगाए गए हैं, जिसमें छात्र हमारे प्रशिक्षित हो रहे हैं। और इस कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय की तरफ से जो दिशा निर्देश मिले हुए हैं, उनके तहत ये कार्यक्रम प्रशिक्षिका अवनी गोलवरकर मैडम द्वारा किया जाएगा। मेरा डॉक्टर ज्योति जुनगरे, स्पोर्ट्स ऑफिसर, शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य विद्यालय जबलपुर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे महाविद्यालय में भी इस बार 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। इस दिन प्रातः 6 बजे सभी अधिकारी, कर्मचारी और बच्चे सभी यहाँ इंडोर स्टेडियम में एकत्रित होंगे और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे कैंट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री अशोक ईश्वरदास रोहानी जी रहेंगे और विशिष्ट अतिथि श्री आशीष राव जी, जन भागीदारी अध्यक्ष हैं, वो रहेंगे। और जैसा कि हमारे यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर ज्योति जुनगरे मैडम और हमारे योग प्रशिक्षक श्री अवनी मैडम के द्वारा यहाँ पे छात्रों, अधिकारियों, कर्मचारियों सभी को ध्यान और उसके बाद योग के विभिन्न आसन से परिचित कराया जाएगा और सभी लोग प्राणायाम भी करेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।